हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपद में हम एंड आई एम बैक हियर विद अनदर पिका कार्ड रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और ये जो रीडिंग है, मैंने आप लोगों को थंबनेल में ही बता दिया था कि ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन है। तो आपके जो ट्विन है उनकी एनर्जी हम देखेंगे आपके लिए क्या है, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर तीन पाइल्स रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर वन, ये है पाइल नंबर टू, ये है पाइल नंबर थ्री, ठीक है। तो आप ठीक से इनको देख लीजिए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करी, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करा है वही वाला आप चूज़ कर लीजिए। और जिन लोगों को चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो फिर एक पाइल चूज़ करो, नहीं, आप सुन भी सकते हो सारे ही पाइल्स को, जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसको ले सकते हो। ऑलराइट, सो मैं ये आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आता एक ले या दो ले या तीन ले। तो आप सुन लीजिए जो भी आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सारे ही पाइल्स रेजोनेट कर जाते हैं, ठीक है। एक भी हो जाता है, दो भी हो जाता है और तीसरा भी हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप पहले सुन लिया कीजिए, जो आपसे रेजोनेट करे उसको ले लिया कीजिए। और हालांकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो एक पाइल से कुछ लोगों को तो पूरा ही मैच हो जा, पूरा ही रेजोनेट कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ चीज़ें रेजोनेट करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है। तो जो रेजोनेट करता है ना वो आप ले लीजिए। एंड एक और मैं बात कहने वाली थी कि कुछ लोग मुझसे कहते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि मैम हमारी फ्री रीडिंग कर दीजिए, हमने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया है, तो अब आप हमारी फ्री रीडिंग यहाँ पर कर दो, तो क्योंकि मैंने आपको फॉलो किया है, ठीक है। तो इट फील्स लाइक के कोई रिश्वत दी जा रही है और वॉट मुझे ऐसी आती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए इसलिए नहीं कहा कि आप मुझे फॉलो करो तो मैं आपको रीडिंग दूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको इसलिए फॉलो करने के लिए कहा था कि अगर आप वहाँ रहते हैं और मैं वहाँ पर पोस्ट डालूंगी और वहाँ पर लोगों के कमेंट्स आएंगे, मैं वहाँ पर उन लोगों को आंसर दूंगी, तो आप वहाँ पर हैं तभी तो वो पोस्ट देख सकेंगे, अदरवाइज़ कैसे देख सकेंगे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है, आप लोग मुझे इस तरीके से बोलते हो कि मैम मैंने फॉलो किया है तो मुझे यहाँ पर आप रीडिंग दो, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का अगर आपका बिहेवियर रहेगा तो फ्री की क्या, मैं अगर आप लोग मुझे डोनेट भी करोगे ना तब भी मैं आपकी रीडिंग नहीं करूँगी, और जितना चार्ज है उससे डबल भी दोगे ना तब भी मैं रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे ऐसे बोलो कि मैंने फॉलो किया तो रीडिंग करो। फॉलो आप कर रहे हो आपके खुद के फ़ायदे के लिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि फॉलो करने की वजह से मैं बंद गई हूँ और आपकी रीडिंग करूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो ईश्वर मुझसे कहता है करने के लिए, ठीक है। मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, मैं अपने ईश्वर की सुनती हूँ, उन्होंने जो मुझसे कहा करने के लिए मैं आपको वो बोल देती हूँ कि आप लोग करिए। इंस्टाग्राम के थ्रू मैं आप लोगों की रीडिंग करूँगी। मैं व्हाट्सएप पे इसलिए नहीं बोलती क्योंकि काफ़ी सारे लोग लोगों को फ्री रीडिंग चाहिए, काफ़ी सारे लोग हैं जो डोनेट भी करते हैं, तो सारे ही लोग व्हाट्सएप पर आ जाएंगे तो ये तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग इंस्टाग्राम पर रहो और जो व्हाट्सएप है वो उनके लिए जो डोनेट करना चाहते हैं, ओके। सो इस तरीके की बातें मत कीजिएगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको रीडिंग चाहिए आप इंस्टाग्राम पर रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि आपके फॉलो करने की वजह से मैं बंद गई और ऐसा कुछ, मतलब जिस तरीके से आप प्रूफ करने की कोशिश करते हो, तो मैं आपको बताऊंगी, मैं आपसे कहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अनफॉलो हो जाइए, ठीक है। लेकिन इस तरीके की बातें मत करिए। इस तरीके से तो मैं फ्री में क्या, मैं पैसे लेके भी रीडिंग नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे इतना पैसा अगर मैटर करता तो मैं हर दिन इंस्टाग्राम पर आकर फ्री रीडिंग नहीं करती लोगों की। हर दिन कोई नहीं करता, कभी कोई कर देता है तो कर देता है, लेकिन हर दिन कोई नहीं करता, मैं हर दिन आती हूँ, ठीक है। तो ये मुझे किसी तरीके का ये कमीशन वगैरह, ये रिश्वत, ये लालच वगैरह देने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड चलिए आज का रीडिंग शुरू करते हैं। तो आपकी ये पाइल है, आप लोगों ने देख ही ली होगी, चूज़ कर ली होगी, तो पाइल वन से शुरू करेंगे। और काफ़ी सारे कार्ड्स हैं मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए ये है, ठीक है, ये वाला मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है, द सेक्रेट इंडियन टैरट। तो इनका मैं आज यूज़ करूँगी। थैंक यू सो मच मुझे गिफ्ट करने के लिए। एंड ये जो साईं बाबा का डेक है, ओरेकल कार्ड्स हैं, ये भी मैं यूज़ करूँगी, हमेशा ही करती हूँ। जो साईं बाबा के डिवोटी हैं उनको मैसेज मिलेगा। और ये वाले कार्ड्स
जो लाइफ पर्पज़ है, जो एंजल्स के थ्रू आपको पता चलेगा क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पूरी पूरी हेल्प करूंगी, ठीक है। ये रीडिंग एक तरीके से जैसे पर्सन रीडिंग होती है, वैसे ही मैं करूंगी आपके लिए। एंड ये देखिए, मैंने कार्ड्स मंगवाए थे आप लोगों के लिए, ठीक है। इनको भी देखूंगी, इससे भी मैसेजेस हैं, इनसे भी मैसेजेस हैं, और ये एनर्जी ओरेकल है, इनसे भी मैं देखूंगी, ठीक है। और ये जो मेरा अपना डेक है, ये आप सभी लोग जानते हैं जो लोग वीडियोज़ मेरे देखते हैं, तो इनका भी मैं यूज़ करूँगी। एंड ऑल्सो जो मुझे मेरी इंट्यूशन कहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये पाइल मैं यहाँ रख देती हूँ साइड में, ये थर्ड है और ये सेकेंड है, इसको भी रख देती हूँ इधर ही। ओके, तो इससे शुरू करते हैं। तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, एंजल ऑफ लव, तो देख लेते हैं कि उनका जो ट्विन है वो अभी किस कंडीशन में है, क्या है, कैसे है। चलिए देखते हैं, इनको यहाँ कर देते हैं, ऐसे दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए तो कार्ड्स खोलते हैं। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ऑलराइट, एट ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, हायरोफेंट, ठीक है। ओके, तो ये जो पाइल है, मैं सबसे पहले बता दूं कि किन लोगों की है। ये पाइल उन लोगों की है जो काफी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक आशा में जी रहे हैं कि एक ना एक दिन तो मेरा ट्विन मेरे पास आ ही जाएगा। ओके, तो इस तरीके के जो लोग हैं ना, उनकी ये पाइल है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, यानी कि ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड है, सॉरी कार्ड्स नहीं है, ये वाला जो कार्ड है वो बता रहा है कि आप जो हो, आप इस तरीके के पर्सन हो जो जल्दी होप नहीं खोता, ठीक है। हाँ, हालांकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो अप एंड डाउन होती है, और वो आपकी नहीं होती, वो सभी की होती है एक्चुअली। हम इंसान हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे ट्विन जो हैं वो इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते एक्चुअली उन्हें चाहिए क्या, उन्हें हम चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, और आप जो आशाएं हैं वो नहीं छोड़ते, ठीक है, आप टिके रहते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो जाती हो, कभी कभी आपको लगता हो कि आप सही जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो या नहीं। सच में ये जो लड़का है या ये लड़की है मुझे सच में प्यार करता भी है या करती भी है या नहीं, या मैं यूं ही पागल बनी हुई हूँ, ठीक है। तो चलो ऐसा करते हैं कि क्या छोड़ देना चाहिए, छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके की हो सकती है आपके माइंड में बातें आती हों, कभी आप मूव ऑन करने का सोचते हो और फिर आपको लगता हो कि नहीं, मूव ऑन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि या करती हूँ कि सामने से जाके प्रपोज कर देती हूँ, फिर नहीं, ओके, नहीं करते हैं ऐसा, वेट करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपका ये होता है कि आपको दिखाई नहीं देता कि एक्चुअली सच है क्या, सच आपको दिखाई नहीं देता, ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप लोग रहते होंगे। तो आपके ट्विन की अगर हम बात करें तो उनका भी यही है, क्योंकि आपके वो ट्विन हैं, तो वही हम लोग कहते हैं ना कि मिरर इमेज, तो जैसे जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो वैसे वो भी करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो अब मुझे दिख रहा है कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि जितना आप उनके लिए करते रहे हैं उन्होंने आपके लिए उतना नहीं किया है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये बताता है कि एक चीज़ मुझे और भी समझ में आ रही है कि आपका जो ट्विन है डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा है। हो सकता है कोई फ्रेंड हो या फैमिली हो या मनी, कैरियर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों की वजह से ये आपको उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे जितना कि देना चाहिए, हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा दे रहे थे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता होगा कि जैसे जब इनका मैसेज आया आपने झट से उनको रिप्लाई किया, लेकिन जब आप मैसेज कर रहे हैं तो उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा, ओके, आप दो तीन दिन तक इनका वेट कर रहे हैं तब जाके इन्होंने कभी कुछ रिप्लाई कर दिया। तो वो जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये याद कर रहे हैं, और इनको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये गलत किया, ये मैंने गलत किया, ठीक है। और इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनको,
बहुत ही ज़्यादा ही आप लोग आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें ये याद कर रहे हैं कि हाँ ये जो पर्सन था ये हमेशा मेरे पास रहा, मेरे साथ रहा, इसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ओके अभी मुझे टाइम नहीं है, फिर कभी बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं रहीं। मैंने अगर 12 बजे भी इसको मैसेज किया तो इसने मुझे रिप्लाई किया, तो ये वाली मुझे दिख रही है एनर्जी। तो वो इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। हालांकि अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि वो इनडिसाइसिव हैं, इनडिसाइसिव इन द सेंस कि वो आपके पास आएं तो कैसे आएं, ये नहीं आएं या नहीं आएं, नहीं, वो सोच रहे हैं कि आपके पास आएं तो कैसे आएं, कांटेक्ट आपसे कैसे करें, ठीक है। ये दोनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं। अब क्योंकि सीधी सी बात है, जब उनका पहले जब उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके से रहा था जिसकी वजह से आप हर्ट होते रहे और उनको अब इन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि ओके मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हाँ वापस तो मुझे जाना है लेकिन मैं जाऊँ किस तरीके से। ओके, वो आपको ऑफर तो करना चाहते हैं। आप कार्ड खुद ही देख लीजिए, क्योंकि आप लोग जहाँ तक मैं जानती हूँ आप लोग उन लोगों में से हैं जो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखते होंगे, टैरेट रीडिंग बहुत सारे चैनल्स आप लोगों ने सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो आपको कार्ड से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ऑफ़र तो वो करना चाहते हैं, ठीक है। आपको आपको बहुत ज़्यादा यूनिक भी देखते हैं, उन्हें लगता है कि यू आर द वन, आपके जैसा और कोई है ही नहीं। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि ये जो कार्ड दिखाता है कि वो समझते हैं कि आप उनके मिरर इमेज हो, ठीक है। ये रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है, हो सकता है इनको अभी अच्छे से ये ना पता हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, लेकिन हाँ इन्हें ये लगता है जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि हाँ ये जो लड़का है या ये लड़की है ना एग्जैक्टली वही है जैसे मैं हूँ, ठीक है। ये वाला फीलिंग इनको आता है। ये कमिटमेंट के लिए भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते हैं, यानी कि जब भी ये शादी का सोचते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। पहले भी सोचते थे लेकिन इतने ज़्यादा कन्फर्म्ड नहीं थे, मतलब इन्हें कभी ये लगता था कि हाँ यही वो है जिसे मैं चाहता हूँ, और फिर इन्हें लगता था कि पता नहीं ये है या कोई और है, ठीक है। ये एक्चुअली समझ ये नहीं पा रहे थे कि ये प्यार है कि ये क्या है। इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन तो होता था लेकिन फिर इनका क्या है ना, दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो दिमाग का यूज़ करने की वजह से अगर इनको इमोशंस आते भी थे तो ये इस तरीके से साइड में हटा देते थे, नहीं मुझे नहीं सोचना, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ नहीं होती, ये मेरे दिमाग का वहम है। क्योंकि यहाँ पर सोर्स एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हैं। जो चीज़ें इनको सामने से दिखाई दे रही हैं, ठीक है, जो इनको साइंस आते होंगे कि कभी इनको नंबर्स दिखे या किसी भी तरीके से ईश्वर ने इनको बताने की कोशिश करी कि हाँ ये जो पर्सन है यही आपका लाइफ पार्टनर है और इसके ही साथ आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, तो ये इस तरीके से इस वाली एनर्जी में आ जाते हैं, यानी मुझे कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं देखना। या फिर जब इनको ये चीज़ें दिखती होंगी, इस तरीके से साइंस इनको आते होंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे, और मैं देख पा रही हूँ कि ज़रूर इनका बिहेवियर चेंज हो जाता होगा। जब आपको ये लगता होगा ना कि हाँ अभी चीज़ें ठीक हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, कुछ पहले से थोड़ा सुधार मुझे देखने को मिल रहा है, उसी के दूसरे तीसरे दिन ही इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होता होगा जो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होगे। मतलब एक दिन पहले आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरे दिन पता चला कि व्हाट्सएप से ही गायब हो गए, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि हाँ आपका पर्सन कुछ इस तरीके का रहा होगा कि कभी आपको ब्लॉक किया फिर अनब्लॉक किया, ठीक है, या फिर खुद की ही जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको बंद कर दिया, ओके, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की उनके रहती होंगी चीज़ें, हरकतें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी ये सोचना उनका आपके फेवर में ही है, ठीक है। अभी वो ये सोच रहे हैं क्योंकि इसके साथ में ये कार्ड आया है, तो ये सोच रहे हैं कि आपके पास आना तो है, आपसे बात करनी तो है, लेकिन शुरुआत कैसे की जाए। मैं पता नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे आप खुद ब खुद उनसे बात करने लग जाओ, ठीक है, खुद ब खुद उनके पास चले जाओ। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो, अपनी तरफ से बात की हो और इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन असल बात ये है कि ये चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। मेन जो चीज़ है ना वो क्या है ना, दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर दें। मैं इनकी एनर्जी चेक करूँगी किस एनर्जी में है ये, ओके,
चलिए देखते हैं, आपके सामने ही देखते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम इनको रियलाइज तो हुआ, अभी तक तो इन्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा था। अब ये वाली सिचुएशन कब तक चलेगी, कब तक चलेगी? कितना भी ये चाहें लेकिन कुछ नहीं हो सकता, आना ही है। ये नैन यांग, ठीक है, इस एनर्जी में है वो। ट्विन फ्लेम का कार्ड है ये, आपके पाइल में आ गया ट्विन फ्लेम का कार्ड। डोर टू रोमांस, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। ये जो कार्ड है इसको ट्विन फ्लेम का कार्ड कहा जाता है, यानी कि दो बिल्कुल अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अलग अलग इन द सेंस, वैसे तो आप मिरर इमेज हो, ठीक है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन अलग अलग मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जब आप उनके पीछे जाते हैं तब वो भागते हैं, और जब आप सोचते हो कि चलो हटाओ मुझे बात नहीं करनी, तब वो आते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होंगे उस वक्त ये काफ़ी कोल्ड बिहेव इनका बिहेवियर रहेगा, और फिर आप जब थक जाओगे ना, और जब आप सोचोगे कि ठीक है हटाओ मुझे कोई इनसे प्यार से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तभी सडनली आप नोटिस करोगे कि इनकी तरफ से ढेर सारा प्यार आ गया, ठीक है। एंड डोर टू रोमांस, तो आप खुद देख लीजिए, अब मुझे मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि कुछ लोग ना कहते हैं कि अरे कार्ड्स तो ऐसे रख दिए होंगे ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, तो देख लीजिए। मैं वही कह रही हूँ कि पर्सन को रियलाइजेशन तो हो गया है, रियलाइज़ हो चुका है, ठीक है, सिर्फ यही है कि वो ये सोच रहा है कि आना है तो किस तरीके से आना है, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए, और मैंने आपके सामने ही शफल किए हैं, तो अब तो खुश हो जाओ, अब तो खुश हो जाओ यार। चलिए ये भी कार्ड्स इनसे भी देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए, ठीक है। चलिए एक कार्ड निकालते हैं, ये आपके लिए निकालेंगे, द हैंग्ड मैन एंड द एम्प्रेस, ठीक है। तो ये देखिए एनर्जी आपके लिए है और ये उनके लिए है, ठीक है। उनकी एनर्जी ये है कि ऑलमोस्ट वो सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं, और अब ये सीधे ही ये कार्ड दोनों ही बता रहे हैं ना, ठीक है। और ये देखिए कमिटमेंट का कार्ड है, ये कमिटमेंट का कार्ड है, ये भी मैरिज का कार्ड है, ये भी लव का कार्ड है, वॉट एल्स यू वॉन्ट, ठीक है ना। तो डिसाइड वो कर ही चुके हैं और आना ही चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, अगर मेल देख रहे हैं तो आपको अपना हस्बैंड बनाने के लिए कम्प्लीटली पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन वही चीज़ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से स्टेप लिया जाए। हैंग्ड मैन का कार्ड आपके लिए आया है, और ये आपके लिए क्यों आया है उसका भी मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि आप काफ़ी आपकी, मैंने शुरुआत में ही जब ये पाइल में रीड कर रही थी मैंने कहा था कि आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है, ठीक है, तो आप एक तरीके से अटके हुए हैं, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ये इसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, समझ में नहीं आ रहा। हालांकि आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये डाउट रहता है आपके मन में कि क्या करना, क्या चाहिए, फ्यूचर है क्या, एक्चुअली कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ होना भी है या नहीं होना है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी में आप हैं, तो आपसे कहा गया है कि आप इस एनर्जी में मत रहिए, बहुत जल्दी आप लोग मुझे एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं जो कि मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो अब तो खुश हो जाओ, तो इनके मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं, इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ओके। तो पहले मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी, अरे खुद ही निकल पड़ रहे हैं मैसेज तो। चलिए देखते हैं, आई वॉन्ट योर फॉरगिवनेस। सी मैंने कहा ना कि उनको अभी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने जो पहले किया वो कितना गलत था, ठीक है, आपका फॉरगिवनेस चाहते हैं वो, ठीक है ना। ये एंड डू यू नो यू आर माई सोलमेट, सी देखिए ये वाला कार्ड आया है, ठीक है ना, मैंने कहा था ना आपको अपना मिरर इमेज समझते हैं वो, ठीक है, बिल्कुल आप उन्हीं के जैसे हो, ये वाला कार्ड भी, ओके। तो देखिए कितना अच्छा मैसेज है, एंड देखिए आई एम वेरी सैड व्हाट आई डिड टू फॉर व्हाट आई डिड टू यू, बट आई वाज हेल्पलेस, ठीक है,
वही मैंने कहा कि उनको रिग्रेट हो रहा है, अभी उनको सब रियलाइज़ हो रहा है, आपके सामने मैंने मैसेजेस निकाले हैं, ठीक है। अब तो ये भी चीज़ नहीं है कि अरे ये तो पहले से रखे होंगे कार्ड, अरे ये तो बोल दिया खुश करने के लिए। मैंने खुश करने के लिए कुछ नहीं बोला, जो आपके कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको सामने सामने दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। ये हैं आपके कार्ड्स और वही सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। यही यही सारा जब मैंने कार्ड्स रीड किए थे तभी कहा था कि हाँ ये वाली चीज़ है, फॉरगिवनेस चाहते हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है, ठीक है ना। ये दोनों ही कार्ड्स आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए आपके एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। सब लोग कहते हैं मुझे एंजल के मैसेज चाहिए, एंजल के मैसेज चाहिए, तो मैंने सोचा आज सारे ही मैं कार्ड्स अपने पढ़ दूंगी आपके लिए, तो बस खुश हो जाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या है मैसेज। ये तो उनकी तरफ से मैसेजेस थे, अब एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। चलिए भाई, बुक्स, तो यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पज थ्रू योर इवॉल्वमेंट विद बुक्स। तो एंजल्स का कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो, ताकि आपका जो ध्यान है ना वो कम भटके, वो बहुत भटकता है, तो आपको ध्यान कम से कम भटकाना है। और अगर आप ये करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने कहा ना कि हो सकता है आप, या आपका कार्ड भी ये वाला आया था, देखिए हैंग्ड, यानी कि आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप गीता या साई सच्चरित्र इस तरीके की किताबें पढ़ा कीजिए, ठीक है, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे फॉर श्योर, ओके। तो ये आपके लिए एक सजेशन है। अब देख लेते हैं उनकी तरफ से, हमारे साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। ट्रस्ट एंड फेथ, देखिए, ठीक है ना, वही मैंने कहा कि आपको बुक्स पढ़ने चाहिए इस तरीके के, और साई सच्चरित्र अभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले। तो देखिए कार्ड आया है कि आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, ठीक है, ये डाउट्स में नहीं रहना है, इस वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है कि मैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ये सारी चीज़ें, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है। और बाद में जैसा आप करोगे ना वैसा आपको फल मिलेगा, ईश्वर देगा आपको जो चाहिए आपको, ठीक है ना। ये साईं बाबा की तरफ से आपको कहा गया है, सो प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। अब देख लेते हैं उनके और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, हैवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू, ठीक है। तो वो कहना चाहते हैं कि जब वो आपके साथ होते हैं ना तो उन्हें लगता है कि ये जो जगह है, ये जो धरती है, ये जो दुनिया है या जहाँ पर वो बैठे हैं वो एक तरीके से स्वर्ग है। एंड आई लव यू वॉट एल्स यू वॉन्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई लव यू का कार्ड आ गया। एक्सो एक्सो फ्रेंड्स रहे होंगे आई थिंक आप लोग शुरू में, तो काफ़ी अच्छे भाई, मुझे तो मिठाई चाहिए मिठाई। चलिए इससे भी देख लेते हैं क्या है मैसेजेस, ओके। देखिए इतना इतने सारे मैसेजेस, मैं इतने सारे कार्ड्स लेकर आई हूँ, अभी भी आप लोग अगर खुश नहीं हुए ना तो फिर मैं क्या करूँ बताओ। इतने पॉजिटिव, देखिए खुद ही आ गया कार्ड, देखें क्या है। You treat me like your princess. आप उन्हें एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप उन्हें प्रिंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। वही मैंने कहा ही था, पहला ही कार्ड ऐसा है, ठीक है ना, मैंने बताया था आपको। और कार्ड देखते हैं, और देखते हैं भाई और क्या है, और क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या है, यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन्स, ठीक है। तो कहना चाहते हैं कि आप जो भी वो डिसीजन्स लेते होंगे, जो भी आपसे कहते होंगे, आप उनसे बोलते होंगे कि ठीक है जैसा कहा है वैसा ठीक है, मान लिया भाई, मान लिया मैंने। ओके, एक और कार्ड है, यू आर माई सोल मेट, सी। देखिए एक क्या भी था ना कार्ड, देखिए 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 आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं।
आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. ओके सो व्हाट एल्स यू वांट. मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, आई एम सो हैप्पी. सो ओके सो एनीथिंग एल्स. सब कुछ तो देख लिया आपने, आई लव यू उन्होंने बोल दिया, सोलमेट आपको बोल दिया और आपसे माफ़ी मांग रहे हैं. व्हाट एल्स यू वांट. एंड दिस वाज योर रीडिंग पाइल वन. एंड अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा. अगर रेजोनेट करी है मुझे कमेंट में बताइएगा. ओके एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल एंड शेयर करिएगा आपके फ्रेंड से, फैमिली से. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लव यू ऑल. और जैसे ही गुड न्यूज़ मिलती है ना प्लीज़ मुझे बताइएगा. ओके ओके बाय बाय, टेक केयर. ओके तो देख लेते हैं अब पाइल टू जिन्होंने किया है. ये मैं कार्ड्स हटा रही हूँ. ओके पाइल टू, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है. हेलो पाइल टू, तो जिन लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया था एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो देख लेते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं उनकी क्या है एनर्जी, आपके ट्विन की जो एनर्जी है वो क्या है इस वक्त. एंड काफ़ी सारे कार्ड्स मैं देखने वाली हूँ आज, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं, जस्ट अ मिनट. ओके ओके सो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ऐसे. चलिए देखते हैं आपका डेक. ओह टेन ऑफ सॉर्ड्स, फायर, सॉरी एयर साइन, एयर साइन हो सकते हैं आपके ट्विन, थ्री ऑफ कप्स. थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ अभी भी, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास तो भाई आना चाहते हैं वो, ठीक है. चलिए सारे कार्ड्स निकालते फिर देखते. ओके 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 फाइन ओके फाइन ओके फाइन ओके. तो ये जो पाइल है ये उन लोगों की है जो आपका जो ट्विन है ना, मैं बता दूँ काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पेन में है करेंटली. हो सकता है इनका पास्ट भी कुछ ऐसा रहा हो, किसी के साथ ये रहे हों और जिन्होंने जिसने इनको छोड़ दिया हो, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में रहे. क्योंकि यहाँ पर भी मुझे थ्री ऑफ कप्स दिख रहा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है. आई एम सॉरी फॉर द लाइट. आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना ठीक से? ठीक है अभी दिख रहे होंगे, ठीक है. तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा था आप लोगों के बीच में, हालांकि अब मुझे नहीं दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है. ये कार्ड बता रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में था वो जा चुका है कम्प्लीटली, और ये काफ़ी टाइम तक ऐसी एनर्जी में भी रहे हैं कि ये बात नहीं कर रहे हैं किसी से, और कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में नहीं है ये मुझे दिख रहा है, ठीक है. बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो. और ये अभी भी पेन में है, मैं ये बता दूं अभी भी पेन में है. हालांकि अब ये एक्चुअली मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अभी ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको खुश हो, आप खुश हो जाओ. लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ इन्होंने आपकी तरफ अब ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है. ये इस एनर्जी में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में पहले भी रहे हैं और अभी भी हैं, ठीक है. मैं इनका पास्ट भी बता रही हूँ और अभी प्रेजेंट भी बता रही हूँ. पास्ट में भी ये जब आप इनसे मिले हो ना उस वक्त भी इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या इन्होंने आपको बताया होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा ब्रेकअप हुआ, मुझे कोई छोड़ के गया, मैं उसी पेन में हूँ और उस पेन की वजह से मैं अब किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहता या चाहती हूँ, ठीक है. क्योंकि जहाँ तक है मुझे ये लग रहा है कि अगर आपने इनको प्रपोज किया है, आपने अगर इनसे कहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो व्यूअर्स हैं आपने उनसे ज़रूर कभी कहा होगा कि आप उनको पसंद करते हैं. अगर डायरेक्टली ये नहीं बोला है आई लव यू, तो ये तो कहा है आई लाइक यू, ठीक है. तो उस वक्त इन्होंने जो रीज़न दिया है वो कुछ इस तरीके से दिया होगा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, मैं एम नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग इन अ रिलेशनशिप, ठीक है. और ये वाली चीज़ आपको भी पता होगी कि हाँ इनके साथ इनके पास्ट में क्या हुआ है,
लेकिन आप कंफ्यूज रहे होंगे क्या यही एक वजह है जिसकी वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहे, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से ये मेरे पास नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ, वजह यही है। साथ ही साथ इनकी एक और वजह है, ये अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा चलते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और अपने जो इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं आपके बारे में, ठीक है। और जिसकी वजह से ये सोचने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ये पेन में भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, इनकी एनर्जी अब ऐसी है कि अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि अब ये लाइक तो आपको कर रहे हैं, ठीक है, लाइक तो ये आपको कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए, लेकिन अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है, ठीक है, इनको अब करना क्या है। ये वेट कर रहे हैं ईश्वर के किसी भी ईश्वर की तरफ से दिए गए फैसले का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अपने कैरियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो अब ये इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या अपना कैरियर देखना चाहिए। गुड न्यूज़ यहाँ पर ये है, ये पाइल मुझे अभी भी मतलब इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा है पाइल, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी, पाइल वन की तरह मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड और ये कार्ड ये मुझे बता रहे हैं कि हाँ, इनका फोकस तो आप पर आया। आई एम सो सॉरी, लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ पर, लाइट चला गया, ठीक है। तो फोकस तो इनका है आप पर अब, जो पहले नहीं था, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अब इनका फोकस है आप पर, आपको लेकर सोच भी रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि ये कन्फ्यूज़ हैं, इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली इनको एक डर है, इनके अंदर एक डर है कि अगर मैं फिर से रिलेशनशिप में आता हूँ या आती हूँ तो वही चीज़ें तो मेरे साथ नहीं होंगी जो पहले हुई थी, ठीक है। इस तरीके की सोच इनके दिमाग में चलती रहती है और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि मैं पहले कैरियर बनाऊँ उसके बाद इनके पास जाऊँ, और जब मेरा कैरियर ही नहीं है तो मैं अगर इनके पास जाता भी हूँ या जाती भी हूँ तो क्या फ़ायदा है, आगे चल के फिर कुछ बिगड़ जाएगा। क्योंकि इनका जो पहला ब्रेकअप हुआ है उसका रीज़न भी हो सकता है पैसा हो, रुपया पैसा हो, ठीक है, इनका कैरियर हो। एक चीज़ मुझे और भी लग रही है कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं बीच में, ठीक है, जो यूनियन होने नहीं दे रहे, हालांकि ये तो चाहते हैं आपको, ये तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जब लोग कहते हैं ना कि जब आप प्रॉब्लम में हो चार लोगों से डिस्कशन मत करो, कभी तो ऐसा होता है कि मन हल्का होता है और कभी ऐसा होता है कि मन और ज़्यादा भारी हो जाता है, ठीक है। तो जो बीच में जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो लोग एक तरीके से क्या होता है कि जब ये इनकी सोच एक जगह चल रही होती है कि ओके ये जो पर्सन है यही मेरा है और मुझे इसी के पास जाना है, वैसे ही पता चला किसी फ्रेंड ने या फैमिली ने या किसी भी पर्सन ने इनको ऐसे कुछ बोल दिया कि भाई ऐसा है, सोच समझ ले, पहले हुआ था फिर से वही काम ना हो जाए, तो वैसे इनका ट्रैक फिर से मतलब इस तरीके से जा रहे होते हैं, फिर से वापस आ जाते हैं, ठीक है। इस वाली एनर्जी में ये मुझे दिख रहा है, फिर से सोचना शुरू अपने पास्ट को लेके, ठीक है, सारे हथियार रख दिए, चलो हटाओ, तो अपने पास्ट को लेकर सोचने लगे, जो इन लोगों ने जो बातें करी उसको लेकर सोचने लगे, ठीक है, अपने पेन को लेकर सोचने लगे, फिर सोचने लगे कि क्या करना है, स्टेप लेना है तो कैसे लेना है, किस ओर जाना है, कैरियर देखना है, अपने पर फोकस करना है, यहाँ मुझे रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये वेट करने लगते हैं कि ठीक है, अब जो भगवान करेगा वही सही है, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में है तो ये पर्सन मुझे मिलेगा ही मिलेगा, मुझे उसके लिए हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वाली एनर्जी में तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक्शन लेते हुए ये नहीं दिख रहे हैं अभी, टू बी ऑनेस्ट मैं बता दूँ, एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ मुझे ये दिख रहा है कि ये आप पर अब ध्यान तो दे रहे हैं, ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन हाँ एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने जो आपके साथ जो बिहेवियर किया है पास्ट में, तो उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैं वापस जाऊं
आपके पास अगर वापस आऊं तो ऐसा ना हो कि अब आप मुझे ऐसे जज कर दें कि जब उस वक्त मैं इतना बोल रहा था या बोल रही थी उस वक्त तो आपने नहीं सुना और अब आप मेरे पास आए हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो अपने जो उनका पेन रहा है, उनका जो पास्ट में उनके अफेयर रहे होंगे या जो भी उनके साथ तकलीफें रही हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो भी चीज़ें रही हैं, उसकी वजह से जो पेन उन्हें मिला है वो पेन ये भूल नहीं पा रहे और उसकी वजह से अटके हुए हैं। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कार्ड होता है एनर्जी ओरिकल में टाइड अप, तो वो टाइड अप बताता है कि जो आपके पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं और जो आपके रिलेशनशिप रह चुके हैं, जो भी घटनाएं आपके साथ घट चुकी हैं, वो घटनाएं, वो सारी चीज़ें, वो जितनी भी परेशानियां हैं, वो आपको एक ऐसे पकड़ के रखती हैं, आपको आगे नहीं मूव ऑन करने देती। तो एक तो मुझे वो वजह दिख रही है जिसकी वजह से ये एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, सोच रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, यहाँ भी सोच रहे हैं और यहाँ भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये तीनों कार्ड आप लोग भी गूगल पर देख सकते हो। तो ये सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7 और, लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं लेकिन वही बात है, बात भी करना चाहते हैं लेकिन एक्शन लेने से घबरा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ पास्ट में किया है ना, उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने तो ऐसे 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 कर दिया और अब मैं कैसे जाऊँ, कहीं ये जज ना कर दे, ठीक है। तो दो तरीके के सिनेरियोज मुझे नज़र आए हैं एक ही पाइल में, तो मैंने दोनों ही आपके सामने रख दिए, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि मैं एक इस तरीके की रीडिंग करना चाहती थी जो है जनरल लेकिन पर्सनल की तरह हो, तो वही मैंने बस कोशिश करी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, सब कुछ हो रहा है, लाइट भी जा रही है, आवाज़ भी आ रही है। चलिए इनकी एनर्जी चेक करते हैं, प्लीज़ बेयर विद मी। होता है ऐसा, मैं क्या करूँ बताओ। चलिए एनर्जी चेक करते हैं किस एनर्जी में हैं, और बताइए एंजल्स जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है सब कुछ, लेकिन ठीक है। एक कार्ड आया है, एक और मैं पकड़ रहा हूँ, इतने सारे नहीं चाहिए एंजल्स, सिर्फ एक और निकाल दीजिए। चलिए सी वॉकिंग अवे, वही मैंने कहा ना कि ये आते आते हैं, मैंने कहा ना जैसे इस तरीके से आपकी तरफ आ रहे हैं और फिर पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये देखिए कार्ड में कैसा है कि आगे बढ़ती जा रही हैं ये और पीछे की तरफ देखती जा रही हैं, ठीक है, पास्ट देखती जा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं लेकिन पीछे भूल नहीं। वही मैंने कहा एक टाइड अप जो कार्ड होता है वो ऐसा ही होता है कि ये आपकी तरफ देख रही हैं लेकिन पीछे जो भी इनके बीत चुका है, जो भी हो चुका है, वो चीज़ें इन्हें इनको ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। वही मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले। और ये देखिए एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी दिख ही रही है, वो तो सब कुछ दिख ही रहा है, इसी एनर्जी में है ये। तो ये मुझे अभी एक्शन लेते हुए तो नहीं दिख रहे हैं हालांकि, लेकिन हाँ आप पर ध्यान तो दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान ही आप पर दे रहे हैं लेकिन एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। आना तो चाहते हैं, आना तो चाहते हैं, ये तो मैं कहूँगी, आना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, लेकिन वही चीज़ें हैं कि चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या देना चाहते हैं मैसेजेस, क्योंकि मैसेजेस से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। दो ऐसे ही गिर पड़े हैं क्या, तीनों नहीं उठा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या है। प्लीज डू नॉट हेट मी, आई एम नॉट बैड। मैंने कहा था ना कुछ लोगों का ऐसा है कि ये सोच रहे हैं कि जो मैंने पास्ट में किया है तो कहीं आप मुझे जज ना कर दें। वही मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, प्लीज डू नॉट हेट मी, आई एम नॉट बैड, तो वो चीज़ उनके माइंड में चल रही है, ठीक है। दूसरा कार्ड है, आई एम वेरी सैड फॉर वॉट आई डिड टू यू बट आई वॉज हेल्पलेस। सी कहा ही था मैंने, वही है, ठीक है, देख लीजिए। एंड आई फील सैड वैन यू स्टॉप टॉकिंग टू मी, प्लीज डोंट डू इट, योर टॉक मेक मी लॉफ,
यू टॉक्स मेक मी लॉफ लॉफ मेक मी स्माइल इवन इन द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कम्युनिकेशन बंद है, तो हो सकता है आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो इनके बिहेवियर की वजह से। तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे बात करते रहो, क्योंकि आपकी जो बातें हैं एनर्जी देती है मुझे और ज़रूरत है मुझे आपके बातों की, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है। मैं आपके लिए और कार्ड्स देखना चाहूँगी कि क्या है। क्या कार्ड आया है देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सॉरी हाँ गाइज, लाइट का प्रॉब्लम है, सो सॉरी। ओके, तो डेथ, ठीक है ना, डेथ का कार्ड आया है। तो डेथ का कार्ड बुरा नहीं होता, क्योंकि अगर एकदम से देखा डेथ है तो मतलब बहुत बुरा है, नहीं ऐसा नहीं है। डेथ का कार्ड ये है कि आपको इनको ज़रूरत है कि ये जो भी इनकी लाइफ में हो चुका है उसको ख़त्म करके अब ये आगे बढ़ें, ठीक है, मूव ऑन करें। तो ये कार्ड मुझे आपके लिए नहीं, उनके लिए लग रहा है। और द डेविल, ठीक है ना, ये दोनों ही उन्हीं के आगे हैं कार्ड। ठीक है, मैंने वही कहा था ना, एक मैंने शुरुआत में बोला था टाइड अप, ठीक है, यानी कि जो पीछे की जो भी चीज़ें हैं वो इन्हें बांध कर रखे हुए हैं। डेविल का कार्ड भी वही बताता है। पता नहीं, मैं जब शफल कर रही थी ना, मुझे तभी लग रहा था डेविल का कार्ड आएगा और वही आ गया। तो ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि जो भी इनका ऑब्सेशन है, जो भी इनके पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनसे ये जकड़ा हुआ खुद को महसूस करते हैं, तो ज़रूरी है कि ये पहले उसको एंड करें और तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और आपको भी मैं ये सजेशन दूंगी कि आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट सा फील करते हो ना, तो वो चीज़ थोड़ी छोड़ो, थोड़ा लेट गो करो इनको। ठीक है, थोड़ा सा इनको लेट गो कर दो कि चलो ठीक है, जो है सो है। लेट गो जैसे ही आप करोगे ना, वैसे ही ये पर्सन जल्दी आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी। और एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं क्या है आपके लिए। व्हाटएवर, ठीक है, तो आपको हील होने के लिए कहा गया है, खुद को हील करिए, उनको भी हील होना है, आपको भी हील होना है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। और क्योंकि ये आपके ट्विन हैं, तो कहते हैं मिरर इमेज है, तो जिस तरीके से आप खुद को हील करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली वो खुद भी हील हो जाएंगे। और जैसे ही वो हील होते हैं, जैसे ही इन सारी चीज़ों से मुक्त होते हैं ना, वैसे ही वो आपकी तरफ स्टेप ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। उनके भी मैसेजेस देख लेते हैं क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपको, कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। ठीक है, तो वो कहना चाहते हैं कि आप उस हर चीज़ की वैल्यू करते हो जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो हो सकता है पहले काफ़ी सारी बातें आपसे हुई होती हों, होती रहती हों, और आप उनकी हर एक बात को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनते हों। ठीक है, तो वही चीज़ वो कह रही है। एंड लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। वेरी नाइस, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि अभी वो आप पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि लव को चूज़ करना है और मैं आपको चूज़ करूँगा या करूँगी। देखिए किस तरीके से किस कर रही है वो। अगर मेल्स देख रहे हैं तो खुश हो जाइए, देखिए ब्लश करेंगे अभी सब। ठीक है ना, सो कर लीजिए ब्लश, इट्स ओके, चलता है भी मेरे साथ। तो चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से क्या है आपके लिए। तो ये कार्ड भी मैं यूज़ करूँगी, चलिए देखते हैं मैं। अरे तीन मैसेजेस, चार हैं, ठीक है, मैं वापस नहीं ले रही हूँ, जितने आ गए मैं उतने पढ़ूँगी। ठीक है, तो यू मेक मी फील अलाइव, ठीक है, वही मैंने कहा था, वही एंजल्स ने भी आपसे कहा है कि आप खुद को हील कीजिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप खुद को हील करेंगे ये हील हो जाएंगे, और इनको जब ये हो सकता है ये आपको अपना हीलर मानते भी हों, ठीक है, क्योंकि इन्हें अलाइव महसूस होता है कि हाँ अभी ये जिंदा हैं भाई। और यू नेवर गिव अप ऑन मी, ठीक है, वही चीज़ वो नोट कर रहे हैं कि आपने कभी मुझ पर मुझसे गिव अप नहीं किया, और उस चीज़ को वो नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। यू ट्रस्ट मी, आपको मुझ पर भरोसा है। यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल, ठीक है, बहुत क्यूट लगते हैं आप इनको, बहुत एडोरेबल लगते हैं। ओह ठीक है, तो ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए। अब देख लेते हैं हमारे साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं ज़रूर ज़रूर देखूँगी क्या कह रहे हैं बाबा आपसे करने के लिए। बाबा जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया है, बताइए क्या करना चाहिए, हेल्प कीजिए। ओम साई राम, ठीक है। यू आर द यूनिवर्स अहम ब्रह्मास्मी, ठीक है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कीजिए इनको, ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहिए। मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हो ना, करते रहिए, हील करते रहिए खुद को, मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपको ये सत्य समझना है कि आप जो है ना, आप खुद ही यूनिवर्स हैं, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं स्वयं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही यूनिवर्स हूँ, तो मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा, या चाहूँगी तो मिलेगा, ठीक है। तो अपना जो फेथ जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करिए ईश्वर पर, और बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप होपलेस हो गए तो ये ऑलरेडी इस कंडीशन में है, तो फिर समझ लीजिए क्या होगा इस कनेक्शन का। तो ज़रूरी है कि ये तो है ही उदास, परेशान और काफ़ी कंफ्यूज हैं, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे फाइनली, ठीक है। तो ये था आपका रीडिंग, पाइल टू जिन लोगों ने चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग आपकी अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके, तो देख लेते हैं पाइल थ्री जिन्होंने चूज़ किया था, एंजल ऑफ बैलेंस, देख लेते हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। सॉरी फॉर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, बट आई होप आपको दिख रहे होंगे कार्ड्स ठीक से। ओह, टेन ऑफ कप्स, वाओ, एंड ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके, चुप रहने वाले हैं आपके जो ट्विन हैं, बड़ा चुपचाप रहते हैं। ओके, ओ ओ ओ ओ द लवर्स, ट्विन का ही कार्ड आ गया। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी, ओ हो, टू ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया। तो आपके ट्विन की एनर्जी तो बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो पूरी तरीके से डिसाइड कर चुके हैं, आपके पास आ रहे हैं भाई, आने का ये कार्ड आ गया है भाई, आ रहे हैं आपको प्रपोज ही करने, फटाफट से आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, मस्त रहो, ठीक है। चाहते हैं फैमिली आपके साथ भाई, फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आप हो, ये वो हैं, या जो भी आप समझ लो, ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वीडियो, ये आपके दो बच्चे हैं, इनको तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है, ये छोटी सी लड़की है, बड़ा सा लड़का है, तो फैमिली बनानी है उन्होंने आपके साथ में, लेकिन अभी वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत करनी है, ठीक है। वो हाई प्राइसेस की एनर्जी में, यानी कि चुपचाप है, मुझे ये लग रहा है काफ़ी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है आपके पास आने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर्स पहले रहे होंगे तो वो बिजनेस का ही कुछ सोच रहे हैं कि चलो बिजनेस इनके साथ पहले शुरू करेंगे, उसके बाद इनके सामने प्रपोजल रखेंगे, पता नहीं मुझे ऐसा समझ आ रहा है, तो मैंने बोल दिया, हो सकता है किसी से मैच करेगा, किसी से रेजोनेट करेगा, किसी से नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं मुझे लगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये पार्टनरशिप का भी कार्ड होता है, जैसे कोई बिजनेस पार्टनर हो, कोई प्रपोजल आता है, जॉब का प्रपोजल आता है, तो हो सकता है ये किसी ऐसी पोस्ट में हो जहाँ पर आपको ये जॉब दें, अगर बिजनेस पार्टनर्स हैं तो हो सकता है आपके लिए बिजनेस का प्रपोजल लेकर आएँ, ठीक है, उसके बाद ये आपको प्रपोज करें। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ये शांत रहने वाले पर्सन हैं, ये लड़की है या लड़का जो भी है, मेल हो या फीमेल हो, व्हाटएवर,
तो अभी भी ये काफ़ी शांत है। हो सकता है आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि एक्चुअली चाहते क्या। चाहते वो यही हैं, चाहते आपके साथ ही कमिटमेंट है, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने अपने मन में रखी हुई हैं, आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। इनका कुछ मनी का भी इशू चल रहा है, फैमिली का भी इशू चल रहा है, वो भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, सब कुछ ही आपको खुलकर बताना चाहते हैं, लेकिन अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ये काफ़ी ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर आप कभी इनसे मूव ऑन करने का सोचते हैं ना, तो झट से ये आ जाते होंगे, आपको मैसेज कर देते होंगे और फिर आप वापस आ जाते होंगे। इनसे बातचीत करने का आप सोचते होंगे कि ठीक है, अब तो इन्होंने मुझे रोक लिया, अब तो मुझे बातचीत करनी चाहिए, और जैसे आपने बातचीत शुरू करी ये चुप, ठीक है, फिर से चुप। तो इनके बिहेवियर की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते होंगे मुझे ये लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी, मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पायली आप खुद ही देख लो ना, मैं क्या कहूँ, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, वॉट एल्स यू वॉन्ट, ठीक है। सब कुछ तो है, मैं क्या बोलूँ, सब कुछ सामने है, ठीक है ना। तो अभी तक आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, जो भी अगर इनर वर्क किया है, मेडिटेशन करते रहे हैं आप, भगवान से प्रार्थना करते रहे हैं, बहुत कुछ अगर आपने किया है तो उसका फल अब आपको मिलने वाला है। मैं बस यही कहूँगी, वेरी वेरी सून आपके पास आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है मई जून का मुझे दिख रहा है, ठीक है, मई या जून में ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। कुछ लोगों का तो मुझे 1 वीक भी लग रहा है कि 1 वीक टू 1 मंथ में कोई ना कोई बातचीत ज़रूर होगी, ठीक है। अगर ये काफ़ी दूर रहते हैं तो आपसे ये मिलने आएंगे। कुछ लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आपके ट्विन हो सकता है जिस सिटी में आप रहते हो उस सिटी में ये किसी बिजनेस पर्पज़ से आए, जॉब पर्पज़ से आए, और उस वक्त ही आपसे मिलें, मिलने के लिए बोलेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है, बातचीत होगी। हो सकता है आपको डेट पर भी ले जाने के लिए कहें, ठीक है। प्रपोजल ही प्रपोजल मुझे मतलब ये लग रहा है कि हाँ आपको प्रपोज ही करेंगे ये, ठीक है, प्रपोज कर ही देंगे इस बार, इस बारी, ठीक है ना। तो मैं और क्या कहूँ, मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं फिर भी इनके एनर्जी देखूंगी, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। कार्ड ही सारे, अरे बाप रे, इतनी ज़ोर से कार्ड गिरे हैं, कौन से कार्ड हैं, मैम चलिए देखते हैं। ओके, तो अगर आ ही गए हैं तो ओके ओके ओके, तो ये दोनों ही एनर्जी इन्हीं की है, ये देखिए ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, ठीक है, दोनों एक जैसे ही हैं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। कम्युनिकेशन चाहते हैं, स्ट्रांग कम्युनिकेशन चाहते हैं ये आपसे, एक्शन लेने के पूरे पूरे मूड में हैं। और ये कार्ड भी जो मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है, ये कार्ड भी बताता है कि काफ़ी टाइम से आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसा हो, एक दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आए, ठीक है, एक दिन ऐसा आए, तो वो एक जो दिन आप जिस दिन का वेट कर रहे थे ना, वो दिन आ गया, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है ना। वो दिन आ गया है और आपकी जो दुआ है वो कबूल हो गई है, और वो खुद भी एक मैजिशियन की तरह ही आना चाहते हैं, बहुत कुछ लेकर आना चाहते हैं। आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि जो पायल जिन्होंने सेलेक्ट किया है, इनका पर्सन काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, या तो फैमिली इश्यूज में या फिर तो कैरियर में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इनको, इनके दिमाग में पूरा सब कुछ प्लान होके रखा था कि इसके बाद ये स्टेप लेना है, इसके बाद ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, तो वो जो भी प्लानिंग उनकी थी ना, वो उनकी कंप्लीट हो चुकी है, जो भी इश्यूज थे उनके ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और अभी वो एक्शन लेने के पूरी 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 जुगाड़ में है, जुगाड़, ठीक है ना। मैं और कार्ड देखूंगी आपके लिए, इस पाइल से भी देखूंगी, सॉरी इस डेक से भी देखूंगी। भाई आप लोगों से तो चाहिए मुझे मिठाई नहीं, अगर बताओगे ना गुड न्यूज़ आकर मुझे कमेंट में, तो बहुत बुरी बात है, सच बता रही हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या है इस कार्ड से, इस पाइल से क्या आता है। द फूल, ठीक है, ये भी एक्शन का कार्ड होता है, वही मैंने कहा एक्शन लेने के मूड में है। एक और कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए, एक्शन एक्शन एक्शन, द हैंगमैन, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, और बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, ठीक है, ये भी लवर्स है, ये भी लवर्स है, दोनों लवर्स कार्ड मैंने आपको दिखा दिए। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, अदरवाइज आप लोग को नहीं कार्ड निकाल के रखे थे खुश करने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है,
सामने सामने मैं निकाल रही हूँ कार्ड आपके। तो हैंगमैन का जो कार्ड आया है वो मैंने कहा ना कि ये काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, हैंगमैन का जो कार्ड है वो प्लानिंग को भी बताता है। वही मैंने कहा कि अभी बोला था कि ये इनका सब प्लानिंग था कि इस तरीके से ये स्टेप लेना है, फिर ये स्टेप लेना है, वही स्टेप ये ले रहे थे और वे एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तैयार हैं भैया। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको अब क्या करना है। आपको, आपने बहुत मेहनत करी है, आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत करी, बहुत रोए हैं आप, बहुत तकलीफ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी मिलने वाला है अब आपको उसका फल। एंजल्स जी बता दीजिए इनको, इन्होंने फाइल 3 सेलेक्ट किया है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप इनको कि क्या करना चाहिए अब इन्हें आगे। ओके, कार्ड एक आपके गिरा है नीचे, दो आपके गिरे हैं एक्चुअली, मैं उठा, आपके कार्ड्स खुद ही निकल रहे हैं। म्यूजिक एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ यानी कि आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बहुत रोए, बहुत तकलीफ़ में रहे होंगे, बहुत कुछ आपने सहा होगा, तो अभी भी आपको स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए कहा है एंजल्स ने कि आप स्ट्रेंथ बना के रखिए, सब कुछ सही होने वाला है। म्यूज़िक कनेक्शन टू म्यूज़िक इज हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। तो हो सकता है आप म्यूज़िक के थ्रू काफ़ी कनेक्टेड हों एक दूसरे से, टेलीपैथिकली आप लोग बात करते हो म्यूज़िक के थ्रू। तो एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप म्यूज़िक से जुड़े रहिए, क्योंकि काफ़ी पेन है, अगर परेशानी है तो म्यूज़िक आपको हील करता है, तो उसके थ्रू आप खुद को हील करिए, सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इनकी तरफ से मैसेजेस भी मैं देखूंगी क्या मैसेज ये देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज हेल्प। ठीक है, निकालते हैं मैसेजेस। ओके, ये कार्ड दूर से, ओ प्लीज मैरी मी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि ये वही, देखिए मैं अभी क्या मैं बोल दूँ, देखिए मैंने कहा था ना प्रपोजल आने वाले, ये आपको ऑलमोस्ट प्रपोज ही करने वाले हैं, देख लीजिए आप लोग खुद देख लीजिए, मैं अभी क्या बताऊँ। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग ऑलवेज इवन आई एम विद यू और नॉट, ठीक है। तो ये हमेशा आपको, ये हमेशा आपको हंसते हुए देखना चाहते हैं, भले ये आपके साथ हों या ना हो, एंड इनका ये रहता है कि आप हमेशा हंसते रहो, हमेशा खुश रहो, बहुत बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपको। यू आर सो ब्यूटिफुल टू मी एंड विल ऑलवेज टू मी, देखिए आपको बहुत खूबसूरत लगते हो आप इनको, और ये कह रहे हैं कि पहले भी थे अभी भी हो, ठीक है। ये जो कार्ड आया है ना, अब मैं अभी क्या बोलूँ, अब मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती, अब आप खुद समझ लीजिए। अभी मैंने सामने ही आपको बोला था कि वो आपको प्रपोज करने ही वाले हैं, और देखिए ये कार्ड आपके लिए आ गया, ठीक है। और कार्ड देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, कार्ड गिरा है, घटे उठाएंगे। ओके, दो कार्ड लिखा होते हैं, चलिए। अंडरस्टैंडिंग, अवर ट्रू लव इज वॉन फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग, ट्रू लव, देखो ठीक है ना। अगला क्या है, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। तो वही मैंने कहा आपको, काफ़ी खूबसूरत मानते हैं ये, और ठीक है ना, सारे मैसेजेस हैं ये आपके सामने, मैं क्या बोलूँ अभी। ओके, कुछ और भी मैसेजेस थे मुझे देखने थे, जस्ट अ मिनट। ये साईं बाबा की तरफ से मैसेजेस मैं देखना चाहती थी, एंड ये क्या आपको कहना चाहते हैं। ओह, लेकिन मैं ये कार्ड नहीं ले रही, मैं वापस से शफल करूँगी। साईं बाबा, इनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे। ओके, हार्मनी, ठीक है। आप अभी म्यूज़िक का भी ये कार्ड आया था आपके लिए, उसमें भी यही था, आप हील करो एंड योर कनेक्शंस टू मेक हीलिंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। हार्मनी, तो लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कहीं ना कहीं हील होने के लिए, आप हील होइए, और म्यूज़िक के थ्रू या फिर मेडिटेशन के थ्रू आप खुद को हील करिए, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए बार बार आ रही है मैसेज। मैं उनके और भी मैसेजेस आपके लिए देखना चाहूँगी,
ओके, आप खुद को हील करिए। मैंने कहा ही कि कार्ड्स अभी इतने बहुत अच्छे आए हैं, आपने बहुत ही मेहनत करी है। आई नो पास्ट में आप बहुत रोए हैं, बहुत तकलीफ में रहे हैं, लेकिन अभी आप खुद को हील करिए, वो चीज़ें आपके लिए कारगर होगी, ठीक है ना। सो डोंट वरी, डोंट क्राई। ये कार्ड्स हैं उनकी तरफ से, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। ओके, ओहो, बहुत कुछ कहना है। क्या है? यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ठीक है। उनका कहना है कि जब भी वो रोते हैं, परेशान होते हैं, आप हमेशा उनके साथ रहे हैं। एंड यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आपने बहुत प्यार किया उनको और आप एक बेबी की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, तो वो चीज़ें उन्हें याद आती हैं। यू लिसन टू मी वेल, और आप उनको बहुत अच्छे से सुनते हो, आप बहुत अच्छे लिसनर हो, तो वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद आती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे ही कार्ड्स आपके लिए देख लिए हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अगर आपको गुड न्यूज़ मिलती है ना, मुझे जल्दी से बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट किया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।